हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एवरीडे विद मी। आज हम आपको राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत के बारे में बताएंगे और इनके बीच क्या अंतर है जानेंगे। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कई मौकों पर गाया जाता है, लेकिन इन दोनों में अंतर करना थोड़ा मुश्किल है। पहले जानते हैं राष्ट्रगान के बारे में। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, जिसे अनेक अवसरों पर गाया जाता है। इसकी रचना नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 18 दिसंबर 1911 में किया था, जो मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया है। बाद में इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान का दर्जा दिया। इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान गाने का नियम है कि इसका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। जब भी राष्ट्रगान गाया जाता है तो सभी का कर्तव्य होता है कि वह इस दौरान खड़ा हो जाए और सावधान मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। राष्ट्रगान देश के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और इसके लोगों के बारे में बताता है। अब जानते हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। यह साल 1882 में इसकी रचना आनंद मठ के एक कविता में लिखी गई थी, जो संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में की थी। ये गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना था। इसे भी राष्ट्रगान के बराबर ही दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रगीत को पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन सत्र में गाया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगीत का दर्जा दिया था। अब बात करते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। नंबर एक, राष्ट्रगान में देश के स्वरूप का वर्णन होता है, वहां पर रहने वाले लोगों के बारे में और वहां का भौगोलिक परिदृश्य कैसा है और उसका इतिहास कैसा है के बारे में बताता है। जबकि राष्ट्रगीत उस देश की जनता के द्वारा गाए जाने वाला ऐसा गीत है जो सबको एक सूत्र में जोड़ता है। उसमें भारत को माँ के रूप में माना है, उनकी वंदना की गई है। नंबर दो, राष्ट्रगान को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और राष्ट्रगीत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। नंबर तीन, राष्ट्रगान को गाने के लिए 52 सेकंड का नियम है और राष्ट्रगीत को भी 52 सेकंड में गाया जाता है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। नंबर चार, राष्ट्रगान के लिए सावधान मुद्रा में खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन राष्ट्रगीत के लिए सावधान मुद्रा का नियम नहीं है। तो कैसी लगी आप सभी को आज की ये जानकारी? धन्यवाद।